ये सरकारी नौकरी से ज़्यादा इसके पीछे मूल मकसद है देश की व्यवस्था में भागीदारी। रिजर्वेशन के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो पहले कहती रही अब कुछ और कह रही है, जो लेजिस्लेचर का काम है वो सुप्रीम कोर्ट कई बार एक्टिव होकर प्रोएक्टिव होकर अपने हाथ में लेती हुई नज़र आती है कि ये वो फैसले जहाँ सरकार खुद बचना चाहती है पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन से, कोर्ट के जरिए वो इस तरह के फैसले करवाना चाहती है और करवा लेती है और उसमें सफल होती है, तो उसको टेम्परेरी प्रोविज़न करना चाहिए और फाइनल प्रोविज़न के लिए विधायिका पे ही छोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट पे छोड़ना चाहिए था ये काम। क्योंकि संविधान जिन लोगों के लिए, वो जिंदा लोग हैं, पीढ़ियों के बाद पीढ़ियाँ बदलती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, माहौल हमारे देश के समाज का बदलता रहता है, देश का भी हालात बदलते रहते हैं। ये पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में रिजोल्व करने के इशू हैं, वहाँ करने चाहिए और जुडिशरी को सबसे लास्ट में आना चाहिए। और ये चक्रव्यूह SC ST OBC की यूनिटी को ख़त्म करने के लिए है। बल्लाज मलिक जी आज वकील हैं, कल ये भी जस्टिस बनेंगे, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से न्यायपालिका 7 जजों के पीठ ने जिस तरह से फैसला सुनाया है वो कितना सही है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, अगर 4 स्तंभों की बात की जाए तो 3रे नंबर पर आता है विधायिका, कार्यपालिका, उसके बाद से न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका कहाँ तक न्याय की है और कहाँ तक अन्याय की है, ये सब जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील सर आप बताइए, जिस तरह से SC और ST पर जो कोटे में कोटे का प्रावधान जो 7 जजों के पीठ ने 7-1 6-1 से फैसला सुनाया है, वो कहाँ तक सही है? देखो, मेरे हिसाब से ये जो मुद्दा कोर्ट के सामने आया, इसे ये साबित तो होता है कि मुद्दा तो कुछ ना कुछ है, ये समाज के अंदर इस बारे में चिंता या इस बारे में जिक्र, इस बारे में सोचा विचारा जा रहा है, तो इस तरह के मुद्दे दरअसल ये खाली संविधान की व्याख्या नहीं है, ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं संविधान में अमेंडमेंट भी हुआ है इस जजमेंट के ज़रिए। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो संविधान में नहीं लिखी हुई स्पष्ट उसकी जो लैंग्वेज है, मगर उसमें अगर उसी लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन करना हो दैट इज़ सेपरेट थिंग। मगर क्रीमी लेयर का अभी तक के संविधान में तो कहीं नहीं है कि SC ST में कोई क्रीमी लेयर का प्रोविज़न, कोई ये आर्थिक संपन्नता लाने के लिए तो था नहीं है, ये तो ये था कि वंचित जो लोग हैं, छुआछात के शिकार जो लोग हैं समाज की मुख्य धारा में, वो कैसे शामिल हों, मानवीय व्यवस्था जो संविधान के तहत इस देश में स्थापित होनी है उस व्यवस्था में कैसे भागीदारी हो, ये खाली नौकरी नहीं, ये व्यवस्था में भागीदारी है। ये इस पर सारा देश ने एक ही चीज़ मान लिया कि नौकरी है, पैसे हैं, सरकारी नौकरी मिल जाती है। ये सरकारी नौकरी से ज़्यादा इसके पीछे मूल मकसद है देश की व्यवस्था में भागीदारी और पूरा समाज। जैसे घर में सभी लोगों की भागीदारी परिवार में नहीं होती, उस परिवार में कलेश रहता है, परिवार में झगड़े रहते हैं, फसाद रहता है। सर, जिस तरह से आप भागीदारी की बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका कोई आंकड़ा नहीं है, वो किस बेस पे, किस आंकड़े को लेकर ये इस तरह की जो है जो मतलब दी है? यस, मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट में भी बड़ा उलट पुलट है। रिजर्वेशन के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो पहले कहती रही अब कुछ और कह रही है, एक हारमोनी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, एक प्रोग्रेसिव मामला नज़र नहीं आता कॉमन लॉ के जरिए। ये कहीं पे जब आर्थिक आधार पे 10% जो रिजर्वेशन की बात थी उसमें भी इन्होंने आंकड़े की कोई बात नहीं की। उससे पहले एक जाट रिजर्वेशन का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था OBC के तहत, तब इन्होंने आंकड़ों की बात की थी इसी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का बिहेवियर कोई हारमोनियस या सिंक्रोनाइजेशन के वो नहीं है, एक तारतम्यता नहीं है, इसको कहते हैं जुडिशियल डिसिप्लिन। जुडिशियल डिसिप्लिन की कमी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में। और इसी तरह से किसान कानून या उससे पहले किसानों को उचित कंपनसेशन मिले लैंड एक्विजिशन में, उसमें भी एंड और का इसने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल संविधान को बदल दिया। संविधान में कानून में जो भाषा थी उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ निकाल लिया। एक तरह से वो जो काम पार्लियामेंट का है, जो लेजिस्लेचर का काम है, वो सुप्रीम कोर्ट कई बार एक्टिव होकर प्रोएक्टिव होकर अपने हाथ में लेती हुई नज़र आती है। उस मामले में लोगों की एक मनसा होती है, लोग ये समझते हैं देश में, और एक आवाज़ उठती है कि ये वो फैसले जहां सरकार खुद बचना चाहती है पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन से, और ये चोरी चकारी से कोर्ट के जरिए वो इस तरह के फैसले करवाना चाहती है और करवा लेती है और उसमें सफल होती है, ये फैसला भी, इसमें कोई दो राय नहीं। समाज में जो बातें उठती हैं या जिस तरह का चिंता समाज को होती है, वो सारी की सारी बातें हमारे देश की विधायिका में चर्चा का विषय होनी चाहिए। यही पॉलिटिक्स का तकाजा है, यही संविधान का तकाजा है। वहाँ जिक्र ना हो के कोर्ट ने जो ये प्रो एक्टिवनेस दिखाई है, मेरे हिसाब से
ये असंवैधानिक है, मैं इसको संवैधानिक नहीं मानता। हाँ, अगर उस तरह के मुद्दे, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को मौका देना चाहिए हमेशा, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को सजेशन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्शन नहीं दे सकती, सजेशन करे भाई ये मुद्दा हमारे पास आ रहा है, इट इज़ इन योर कॉम्पिटेंस, ये आपके फील्ड का काम है, आप इस पर काम करिए, वरना देश के इस तरह के मुकदमे हमारे पास आ रहे हैं, इसको आप निपटाइए, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में आता है ये, आप इस पर कानून बनाइए। कानून बनाने के बाद कानून की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इसलिए इस मामले में भी कोई कानून तो था नहीं, इसमें सीधा का सीधा संविधान की व्याख्या भी नहीं, संविधान का अमेंडमेंट हो गया एक तरह से, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चाहिए था, इतने महीनों से लंबित करके रिजर्व कर लिया था फरवरी में ये फैसला, और सुनाया अब है, इलेक्शन बीच में गुजर गए, तो बहुत सारे फैसले सुनाने में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नज़र आती है, और लोग भी सोचते हैं कि उस वक्त इलेक्शन था, अब क्यों सुनाया, उस वक्त ये फैसला सुनाया जाता तो इसके कुछ रेपरकशन, इसका रिजल्ट कुछ और होता है इलेक्शन में, तो ये भी देखने को आता है, हमें सबको समझ में भी आती है बातें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कभी भी तुरंत ये कहना चाहिए कि ये समाज में इस तरह का इशू उठ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, ये आपका फील्ड है विधायिका का, इस पर कानून बनाइए या चर्चा करिए। तब तक हम फिल इन द ब्लैंक्स तो भर सकते हैं, अगर प्रेशर है देश के लोगों का, तो ऐसे भी नहीं बैठ सकते कि पार्लियामेंट मूर्ख बनाए देश को, अपना काम ना करे और जुडिशरी उस पर फैसले ना दे पाए और इंतजार करते रहे, ऐसा नहीं कर सकता। देश को आप पंगू नहीं बना सकते, चाहे वो कार्यपालिका, चाहे विधायिका, चाहे जुडिशरी है, किसी न किसी एक अंग को तो काम करना होगा, मगर जुडिशरी को ऐसे मौक़ों पर या तो तुरंत सजेशन देना चाहिए, या उसको लगता है अति इम्पोर्टेंट है तो उसको टेम्परेरी प्रोविज़न करना चाहिए, और फाइनल प्रोविज़न के लिए विधायिका पे ही छोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट पे छोड़ना चाहिए था ये काम। सर, जिस तरह से क्रीमी लेयर की आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्रीमी लेयर का जो आंकड़ा है वो कितना रहना चाहिए? क्या इस देश के राष्ट्रपति जो दलित समुदाय से आते हैं, क्या वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ सकती हैं? अरे भाई, क्रीमी लेयर का तो मतलब आर्थिक उससे जुड़ गया है, ये आर्थिक उससे नहीं है, मेन तौर पे एससी एसटी का मामला सारा का सारा था, एक तरह से छुआछूत पे आधारित ये मामला था कि भाई छुआछूत इस देश में कितनी कम हुई है, इसमें क्रीमी लेयर का नहीं आता। अगर क्रीमी लेयर का खुद एससी एसटी के अंदर जो वर्ग हैं वही मुद्दा उठाते तो ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है, पार्लियामेंट पर इस पर विचार कर सकती है, वो अमेंडमेंट कर सकती है। संविधान हमारा एक जीता जाता जीवंत वो चीज़ है, वो मुर्दा चीज़ नहीं है, क्योंकि संविधान जिन लोगों के लिए, वो जिंदा लोग हैं, पीढ़ियों के बाद पीढ़ियाँ बदलती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, माहौल हमारे देश के समाज का बदलता रहता है, देश का भी हालात बदलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से अगर इशू है तो इशू मस्ट शुड हैव बीन रिजोल्व इन द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में रिजोल्व करने के इशू हैं, वहाँ करने चाहिए, और जुडिशरी को सबसे लास्ट में आना चाहिए। अगर फिर भी सारे रास्ते बंद हों और लगता है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट देश के लिए, तो टेम्परेरी प्रोविज़न करना चाहिए, फाइनल प्रोविज़न विधायिका पे ही छोड़ना चाहिए, पार्लियामेंट पे ही छोड़ना चाहिए था। सवाल उठ रहा है पूरे देश में सर, जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरे को एक बात ध्यान आ गई है, क्रीमी लेयर की जहां तक बात है, अगर क्रीमी लेयर पे इतनी ज्यादा चिंता है इन लोगों को, तो क्रीमी लेयर जो जनरल कोटे में है वहां भी क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। जनरल कोटे में भी बहुत सारे चंद घराने हैं जिनके बच्चे ज्यादा पोस्टें हैं, ज्यादा दूर जग जाने की जो जरूरत नहीं है, जिस जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके पापा जी चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके दादा जी चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके भी तो ऊपर क्रीमी लेयर लाना चाहिए। यस, क्रीमी लेयर हर जगह होनी चाहिए, और सबसे पहले जर्नल में ही होनी चाहिए, ताकि उसके बाद दूसरे लोग फॉलो कर पाएँ, किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हमारे ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है, वोट की राजनीति ये सारी कर रहे हैं, और ये चक्रव्यूह एससी एसटी ओबीसी की यूनिटी को ख़त्म करने के लिए है। बिल्कुल ये बात जायज़ है, उठेंगी ये देश में बात उठेंगी कि कहीं ना कहीं इस तरह के षड्यंत्र में कहीं कोई जुडिशरी का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है इस देश के अंदर, या जुडिशरी मिसयूज़ तो नहीं हो रही किसी सीनियर ओके। मैं आपसे इस बात पर करना चाहता था, आप सीनियर एडवोकेट हैं, कल आप चीफ जस्टिस बनेंगे, तमाम चीज़ें बनेंगे, लेकिन आज जिस तरह से जो ये 7 जजों का संवैधानिक पीठ जिस तरह से फैसला दिया है, उसको लेकर देश में चल रहा है कि फूट डालो राज करो, जैसी ये चीज़ें अपनाई जा रही हैं। तो देखिए, जुडिशरी को यही जिस तरह से जाट आरक्षण के दौरान भी या दूसरे और ओबीसी के फैसलों में भी, जब ये आयोग बिठाने की बात करते हैं और आंकड़ों की बात करते हैं, यहाँ पे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% और अब जो किया इन्होंने क्रीमी लेयर वाला मुद्दा, ये भाई वहाँ क्यों
नहीं उठाया आप लोगों ने, ये मुद्दे आप अचानक कैसे उठाते हैं? यू हैव नो पावर टू रेज दिस, दीज आर द पॉलिटिकल इशूज, और ये देश के जो उस तरह के मुद्दे हैं जो पॉलिटिकली ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल हो सकते हैं, ताकि जहाँ पार्लियामेंट में देश के लोग भी और पार्लियामेंटेरियंस हर वर्ग हर समाज की अच्छी बात रख सकें, अच्छा डिबेट हो सके और चीज़ें और निखर के देश के सामने आए और लोगों को ये ना लगे कि थोपा हुआ फैसला है। तो ये मौका मिलना चाहिए था, और कम से कम आंकड़ों पे, आंकड़ों के बिना कोई भी इस तरह की बात करना, इस तरह सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये इशू पार्लियामेंट में डिबेट के लिए सजेशन देना चाहिए था मेरे हिसाब से, इस मामले में भी और लैंड एक्विजिशन मामले में जिसको हेड किया था जस्टिस अरुण मिश्रा, जो आजकल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बने बैठे हैं, उसी तरह की जजमेंट पर, जिन पर जजमेंट बेचने के भी आरोप लगे हैं सरेआम इस देश के अंदर, वो सारे के सारे इस तरह की जो जजमेंट करना है, जो पार्लियामेंट को नेस्तानबूद करने का, पार्लियामेंट को धता बता के अगर कोई सरकार प्रेजेंट सरकार के अनुकूल कोई चुपचाप फैसला दे दे ताकि वो पार्लियामेंट के रास्ते से बचने का उनको मौका मिल जाए, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, और ये जुडिशियल ओवररीच मानी जाएगी। और ये फैसला भी और लैंड एक्विजिशन में फेयर कंपनसेशन वाले मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी इस तरह की गड़बड़ की थी, जुडिशियल इनडिसिप्लिन किया था इन लोगों से, और इस पर नज़र रखने की जरूरत है, देश को पूरा सावधान होना चाहिए। खाली सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, इमीडिएट नतमस्तकों को स्वीकारने की बात नहीं है, नज़र रखनी चाहिए खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट पर। चलिए शुक्रिया सर जी, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।